न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आए। एक तरफ सत्ता पक्ष मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं विपक्ष के तरफ से राज्य नियोजन नीति लागू करने एवं विधि व्यवस्था आदि को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावड़ी ने कहा कि मणिपुर की चिंता करने के लिए वहां पर सरकार है, नेता है, अधिकारी है, लेकिन झारखंड की सरकार अपने राज्य की चिंता न करते हुए मणिपुर की चिंता में व्यस्त है, जबकि यहां लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार है। नियोजन नीति लागू न होने के कारण लाखों युवाओं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राज्य की विधि व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि दिन दहाड़े घर में घुसकर लोगों की हत्याएं हो रही है, आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है। राज्य के दलित खुद को दरासा में महसूस कर रहे हैं, फिर भी झारखंड सरकार मणिपुर जैसे मुद्दे को नहीं अपना समय बर्बाद कर रही है। जो विपक्ष का है वो हकीकत है, राज्य की जनता ने आपको मणिपुर के लिए नहीं चुना है, राज्य की जनता ने आपको झारखंड के साथ मणिपुर जनता के लिए चुना है। आप यहाँ इनकी चिंता ना करते हुए जो आपके बगल में हत्या है, सुभाष मुंडा के बगल में हत्या हो, भूमिका पहाड़िया का बलात्कार करके कई टुकड़े करके हत्या कर दी, आप रूपा तिथि की हत्या कर दी, गोयलकेरा में सात आदिवासियों की हत्या कर दी, मुगल घासी से लेकर के मुरमातू तक कई एक दलितों के साथ हत्या बलात्कार की घटनाएं हर बार हो रही है। ये नेशनल जो आपका क्राइम रिपोर्ट जो है उसके अंदर है भाई, आदिवासियों पर अत्याचार और दलितों पर अत्याचार सबसे ज्यादा झारखंड में हुआ है, आप उसकी चिंता ना कर रहे। मणिपुर की जनता ने वहाँ सरकार बनाया है, मणिपुर की जनता ने वहाँ मैंडेट दिया, वहाँ के विधायक है, सांसद है, वहाँ के मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वहाँ की जनता है, वहाँ आपके पार्टी के लोग हैं, वो वहाँ की लड़ाई लड़ेंगे। आप यहाँ सिर्फ उस मुद्दे को लेकर के झारखंड की जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, अपने फेलियर को छुपाना चाह रहे हैं, इतना ही नहीं आपको नैतिकता का ख्याल है, आदिवासियों का ख्याल है। तो मुख्यमंत्री जब ईडी के जांच में जाते हैं, जब वो जो अपना जो है नीज घोटाले में फंसते हैं, अपने नाम पे जब पत्थर लगा लेते हैं और उनके सलाहकार से लेकर सब जब जेल के अंदर रहते हैं, उनके प्रतिनिधि के अंदर रहते हैं, तो उनको तो पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद इस तरह के छोटे दलित चाहिए। राज्य सरकार पूरी तरह से सही हो रहे हैं, आदिवासी दलितों के संकट